प्रकाश पंडित द्वारा संपादित किताब साहिर लुधियानवी के शेरों शायरी और गज़ल। दुनिया ने तजुर्बातों हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है लौटा रहा हूँ मैं। परिचय। साहिर को मैंने बहुत करीब से देखा है। 1943 में जब वह साहिर कम और कॉलेज का विद्यार्थी अधिक था और अपने आप को शाहिर यानी शायर मनवाने और अपना कविता संग्रह तलखियां छपवाने के लिए लुधियाना से लाहौर आया था। 1945 में तलखियां के प्रकाशन के साथ ही उसने ख्याति की कई सीढ़ियां एकदम तय कर ली। प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदबे लतीफ और सहकार का संपादक बना और देवेंद्र सत्यार्थी ने उससे मेरा बकायदा परिचय कराया। 1948 में वो ख्याति के शिखर पर पहुंच चुका था। बम्बई के फिल्म जगत से निकलकर शरणार्थी की हैसियत से लाहौर में आबाद था और भारतीय लेखकों के एक गैर सरकारी मैत्री मंडल के सदस्य के रूप में मैं उसके यहाँ 2 दिन रहा था। लेकिन सबके बावजूद साहिर के व्यक्तित्व और उसके आधार पर उसकी शायरी के इस अवलोकन का मुझे अधिकार न पहुंचता। यदि 1949 में मेरी उससे भेंट न होती, दिल्ली में साहिर से मेरी भेंट आकस्मिक तो थी पर आश्चर्यजनक नहीं। लाहौर में उसके यहाँ 2 दिन रहकर ही मैंने अनुमान लगाया था कि साहिर वहाँ खुश नहीं रह सकता। साहिर वहाँ इसलिए खुश नहीं रह सकता था क्योंकि उसे अपने चारों ओर एक ही मत और धर्म के लोगों की भरमार नज़र आती थी। कलम की आज़ादी थी ना जबान की, और उन मित्रों की जुदाई तो उसके लिए अत्यंत असहाय हो रही थी जो अपने नामों से हिंदू और सिख थे और जिनके साथ साहिर ने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया था। और मैंने देखा था कि साहिर के साथ साथ उसकी माँ जी भी को भी हम हिंदुओं को अपने यहाँ देखकर हार्दिक प्रसन्नता हुई थी। अतएव दिल्ली में साहिर से जब मेरी भेंट हुई तो मुझे कोई आश्चर्य ना हुआ। और जब अपने विशेष नटखट स्वर में उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान सरकार ने उसके खिलाफ वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं तो मैंने कारण तक पूछने की आवश्यकता न समझी। बाद में साहिर की माँ जी को लाहौर से लाने के लिए लाहौर जाने पर मुझे मालूम हुआ कि द्वैमासिक पत्रिका में सवेरा में जिसका उन दिनों वह संपादक था उसकी कलम ने राज्य के विरुद्ध विष की कुछ एक बूंदे टपका दी थी। दिल्ली शाहिर के मंजिल नहीं पड़ाव था, वो शीघ्र से शीघ्र बम्बई पहुंचना चाहता था जहां उसके विचार में फिल्म जगत बड़ी अधीरता से उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन शायद इस ख्याल से कि पथिक पर कुछ अधिकार पड़ाव का भी होता है या न जाने किस ख्याल से उसने पूरा एक वर्ष दिल्ली की भेंट कर दिया। और मैं यद्यपि साहिर के उसके बाद भी अनेक बार मिलता रहा हूँ लेकिन उसे और उसकी शायरी की यथोचित रूप से समझने और जांचने परखने का मौका मुझे उसी एक वर्ष मिला जब उर्दू पत्रिका साह राह और प्रीत लड़ी के संपादन के सिलसिले में हम दोनों ने न केवल एक साथ काम किया बल्कि एक साथ ही घर में रहे। यौन लगभग 4 वर्ष तक मैं बम्बई में भी साहिर के साथ एक ही घर में रह चुका हूँ और 1972 में अपने गले के कैंसर के इलाज के लिए सिलसिले में महीनों उसका मेहमान रह चुका हूँ। साहिर अभी अभी सोकर उठा है, प्राय 10-11 बजे से पहले वो कभी सोकर नहीं उठता और नियमानुसार अपने लंबे कद की जलेबी बनाए, लंबे लंबे पीछे पलटने वाले बाल बिखराए, बड़ी बड़ी लाल आँखों से किसी भी बिंदु पर मेस्मेरिज्म की सी टिकटकी बांधे बैठा है। इस समय अपनी इस समाधि में वह किसी प्रकार का विघ्न सहन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि उसकी प्यारी माँ जी भी, जिसका वह बहुत आदर करता है, अपने जागीरदार पति से विच्छेद हो जाना के बाद से जिसके जीवन का वह एकमात्र सहारा है, वह भी उसे कमरे में प्रवेश करने का साहस नहीं कर सकती कि एकाएक साहिर पर दौरा सा पड़ता है। वह चिल्लाता है, चाय। और सुबह इस आवाज़ के बाद दिन भर और मौका मिले तो रात भर वो निरंतर बोले चला जाता है।
आध घंटे से अधिक किसी जगह टिक कर नहीं बैठ सकता और मित्रों परिचितों का जमघटा तो उसके लिए दैवी वरदान से कम नहीं। उन्हें वह सिगरेट पर सिगरेट पेश करता है, गला अधिक खराब ना हो इसलिए स्वयं सिगरेट के दो टुकड़े करके पीता है, लेकिन अक्सर दोनों टुकड़े एक साथ पी जाता है। चाय के प्याले उनके कंठ में उड़ेलता है, स्वयं भी दो चार चख लेता है। और इस बीच में अपनी नज़मों गज़लों के अलावा दर्जनों दूसरे शायरों के सैकड़ों शेर जो उसे अपने नज़मों गज़लों की तरह जबानी याद हैं, बड़ी दिलचस्प भूमिका के साथ सुनाता चला जाता है। अपनी नज़्म गज़लें और दूसरे शायरों का कलाम ही नहीं, उसे अपने जीवन की हर छोटी बड़ी घटना याद है। अपने मित्रों और पत्र पत्रिकाओं के संपादकों के पूरे पत्र याद है। आज तक उसकी शायरी के समक्ष पक्ष या विपक्ष लिखी गई हर पंक्ति याद है। यहाँ तक कि बाल्यावस्था में देखी हुई मैडन थिएटर की इंद्रसभा और साहब हराम नामक फिल्मों के पूरे डायलॉग याद हैं। और रात के 10, 11, 12 या 1 बजे जब उसके मित्र परिचित दूसरे दिन मिलने का वायदा करके एक के बाद एक साथ छोड़ जाते हैं, और यद्यपि कम से कम एक धर्म योद्धा उस समय भी उसके साथ होता है, उसे बड़े कटु प्रकार का एकाकीपन महसूस होने लगता है। और ना जाने कहां से उसमें बोहिमियज़म के ऐसे भयंकर कीटाणु घुस जाते हैं कि उसे संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपने मुकाबले में तुच्छ बल्कि कीड़ा मकोड़ा नजर आने लगता है। उस समय दिन भर का हंसमुख और सरल स्वभाव शाहिर एकदम बदल जाता है। दिन भर की बातें जिनका उसे एक एक शब्द याद हो चुका होता है, दोहरा दोहरा कर वो अपने मित्रों की मूर्ता और रात में सलाखा पर जिसकी सुबह प्रशंसा कर चुका होता है व्यंग के तीर छोड़ता है। क्या पिद्दी का शोरबा कहकर उनका मजाक उड़ाता है और निश्चय करता है कि आइंदा वह कभी बुकरात किस्म के मित्रों पर अपना पैसा और समय बर्बाद नहीं करेगा। लेकिन दूसरे ही दिन जब वह उन मित्रों पर उसकी नज़र पड़ती है, वह लपक कर उन्हें बाहों में भर लेता है, उन्हें चाय के बजाय विस्की पिलाता है और डटकर खाना खिलाता है और उनकी मूर्ता और आत्मसल्लाघा की प्रशंसा करके आप ही आप एक प्रश्न चिन्ह बन जाता है। यह प्रश्न चिन्ह रास्ता चलते चलते कभी बहुत आगे निकल जाता है, कभी बहुत पीछे रह जाता है। एक जरा सी बात पर उकता जाना, शर्मा जाना, घबरा जाना उसका स्वभाव है। और जहाँ तक कोई निर्णय करने का संबंध है, जीवन की बड़ी बड़ी समस्याएं तो क्या किसी मुशायरे में नज़्म या गज़ल सुनाने से पहले वह यह भी निर्णय कर पाता है कि उस समय उसे क्या चीज़ सुनानी चाहिए। यहाँ तक कि किसी कमीज पर वह कौन सी पतलून पहने और नाश्ते में पराठे और आमलेट खाए या तोस मक्खन उसके लिए भी उसे अपने पास बैठे किसी अस्थाई या अस्थाई मित्र की सहायता लेनी पड़ती है। और शायद इसलिए वह अब तक शादी नहीं कर सका। दूसरों की पसंद हुई लड़कियों वह पसंद नहीं करना चाहता और स्वयं पसंद करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साहिर की इन आदतों के कारण जिन्हें मैं बनावट समझता था, कभी कभी हम दोनों में ठन भी जाती थी। मैं महसूस करता कि वह मुझे मुफ्त धर्म योद्धा बनाए चला जा रहा है, और मैं चूंकि कीमतन भी इसके लिए तैयार न था, इसलिए उसका मजाक उड़ाने और उसे नीचा दिखाने का कोई अवसर हाथ से न जाने देता था। वह अपनी किसी नज़्मे की महानता मनवाने के लिए अई भूमिका ही बांध रहा होता कि मैं अपनी किसी लंबी चौड़ी कहानी का प्लॉट सुनाकर चेखव, गोरकी और मोपासा से अपनी तुलना कर शुरू कर देता। वह लिबास के बारे में मेरी राय लेता तो बड़ी गंभीरता से कपड़े छाट कर मैं उसे अच्छा खासा कार्टून बना देता, और नाश्ता तो मैंने उसे कई बार आइसक्रीम तक का भी करवाया। लेकिन धीरे धीरे वह वास्तविकता मुझ पर प्रकट होती गई कि वह मजाक का नहीं दया का पात्र है। वे आदतें उसने स्वयं नहीं पाली, खुदरो पौधे की तरह खुद ब खुद पल गई है और इनकी तरह में काम करती हैं वे दुखद परिस्थितियाँ जिनमें उसने आंखें खोली, परवान चढ़ा और जो अपने समस्त गुणों अवगुणों के साथ उसके व्यक्तित्व का अंग बन गई। अब्दुल हई साहिर 1921 में लुधियाना के एक जागीरदार घराने में पैदा हुआ।
माता के अतिरिक्त उसके पिता की कई पत्नियां और भी थी, किंतु एकमात्र संतान होने के कारण उसका पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार में हुआ। मगर अभी वह बच्चा ही था कि सुख वैभव के उस जीवन के दरवाजे एकाएक उस पर बंद हो गए। पति की अयासियों से तंग आकर उसकी माता पति से अलग हो गई, और चूंकि साहिर ने कचहरी में पिता पर माता को प्रधानता दी थी, इसलिए उसके बाद पिता से और उसकी जागीर से उनका कोई संबंध न रहा, और इसके साथ ही जीवन की तबाहतोड़ कठिनाइयां और निराशाओं का दौर शुरू हो गया। ऐसो आराम का जीवन छीन तो गया, पर अभिलाषा बाकी रही। नौबत माता के जेवरों के बिकने तक आ गई, पर दंभ बना रहा। और चूंकि मुकदमा हारने पर पिता ने यह धमकी दे दी थी कि वह साहिर को मरवा डालेगा या कम से कम माँ के पास न रहने देगा, इसलिए ममता की मारी माँ ने रक्षक किस्म कैसे लोग साहिर पर नियुक्त कर दिए, जो क्षण भर को भी उसे अकेला ना छोड़ते थे। इस तरह घृणा भाव के साथ साथ उसके मन में एक विचित्र प्रकार का भय भी पनपता रहा। परिणाम स्वरूप उसमें विभिन्न मानसिक उलझने पैदा हो गई। उसने प्रेम किया और निर्धनता, साहस के अभाव और सामाजिक बंधनों के कारण विफल रहा। इसी कारण से कॉलेज से भी निकाल दिया गया, और फिर इच्छा और स्वभाव के प्रतिकूल उसे अपना और अपनी माँ जी का पेट पालने के लिए तरह तरह की छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी। सिसक सिसक कर और सुलग सुलग कर उसने दिनों का धक्का दिया। कदम कदम पर हर्ष और विषाद में संघर्ष हुआ। वह संघर्ष बुद्धि और भावुकता में भी हुआ, और जीवन और मृत्यु में भी। और यही वह संघर्ष था जिसने उसे एक साधारण विद्यार्थी से एकदम साहिर बना दिया, और उसके मन मस्तिष्क की सारी तलखियाँ शेरों का लिबास बनकर बाहर निकल पड़ी। शायर की हैसियत से साहिर ने उस समय आँख खोली जब इकबाल और जोश के बाद फिराक, फैज, मजाज आदि के नज़मों से न केवल लोग परिचित हो चुके थे, बल्कि शायरी के मैदान में इनकी तूती बोलती थी। ऐसे काल में साहिर है कोई भी नया शायर ऐसे काल में जाहिर है कि कोई भी नया शायर अपने इस सिद्धस्त समकालीन से प्रभावित हुए बिना न रह सकता था। अतएव साहिर पर भी मजाज और फैज़ का खास प्रभाव पड़ा। बल्कि शुरू में तो लोगों को उसकी शायरी पर फैज़ के अनुकरण का संदेह हुआ। वही नरमो नाजुक स्वर, वही शब्दों के सुंदर तरास खरास, और वही नींद में डूबा हुआ वातावरण। लेकिन उसके व्यक्तिगत अनुभव आड़े आए। उस वर्ग के प्रति घृणा तथा विद्रोह की आप ही आप उमड़ी हुई विचारों की धारा काम आई, जिसका एकमात्र उसका पिता और दूसरे उसके प्रेमिका का पिता था। और सांसारिक दुखों में तपकर निकली हुई चेतना ने उसे मार्ग सुझाया, और लोगों ने देखा कि फैज या मजाज का अनुकरण करने के बजाय साहिर की रचनाओं पर उसके व्यक्तिगत अनुभवों के छाप, उसका अपना एक अलग रंग भी है। वह साहिर की व्यक्तिगत परिस्थितियाँ ही उसे कहलवा सकती थी कि मैं उन अजदाद का बेटा हूँ जिन्होंने पैहम अजनबी कौम के साये की हिमायत की है। गदर की सात नापाक से लेकर अब तक हर कड़े वक्त में सरकार की खिदमत की है। और यह भी उसी की मन स्थिति थी जो शब्दों के चित्र में प्रकट हुई। ना कोई ज़्यादा, न मंजिल, न रोशनी, न सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊँगा कभी खोकर। मैं जानता हूँ मेरी हम नफस, मगर यूँ ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाव में गुजरने पाती तो सदा हो भी सकती थी। ये तिरगी जो मेरी जिस्त का मुकद्दर है, तेरी नज़रों की सुआओं में खो भी सकती थी। और मैं समझता हूँ कि साहिर को भी अपने बहुत से समकालीन शायरों से अलग और उच्च स्थान प्राप्त हुआ। उसका बुनियादी कारण उसके यही अनुभव और परीक्षण है, जिनमें किसी प्रकार का मिशन करने के बजाय कलात्मक श्रृंगार के अतिरिक्त उसने उन्हें ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया। प्रेम के दुख दर्द के अलावा समाज के प्रति जो विष तथा कटुता में हमें उसकी शायरी मिलती है, वह मांगे तांगे की नहीं, उसके अपने ही जीवन की प्रतिध्वनि है। साहिर मौलिक रूप से रोमांटिक शायर है। प्रेम की असफलता ने उसके दिलो दिमाग पर इतनी कड़ी चोट लगाई कि जीवन की अन्य चिंताएँ पीछे जा पड़ी। राहों में हरीरी मलबूस देखकर सर्द आहों में अपनी प्रेमिका को याद करने के सिवाय
उसे कुछ सूझता ही नहीं था। हर समय उसे अपनी आंखों पर अपनी प्रेमिका की झुकी हुई पलकों का साया महसूस होता और वह तड़प तड़प कर उससे पूछने लगता, मेरे ख्वाबों के झरोखों को सजाने वाली, तेरे ख्वाबों में कहीं मेरा गुजर है कि नहीं, पूछ कर अपनी निगाहों से बता दे मुझको, मेरी रातों के मुकद्दर में सहर है कि नहीं, और मेरी दरमदार जवानी की तमन्नाओं के मुजमहिल ख्वाब की ताबीर बता दे मुझको, तेरे दामन में गुलसिता भी हैं वीराने भी, मेरा हासिल मेरा तकदीर बता दे मुझको। और संभव है कि आयु भर अपनी प्रेमिका से वह इसी प्रकार के प्रश्न करता रहता और उचित उत्तर ना पाने पर निराशा तथा शोक की घनी और घिनौनी इच्छाओं में जा आश्रय लेता और नारी के प्रेम से शुरू होने वाली उसकी शायरी नारी के प्रेम तक ही सीमित रह जाती। लेकिन बार बार प्रश्न करने पर भी जब उसे कोई दो टूक उत्तर ना मिला बल्कि हर उत्तर नए प्रश्न के रूप में सामने आने लगे तो उसे इस तकरार से घबराकर उसने सोचने की आदत डाली, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों होता, और वह इस परिणाम पर आ पहुंचा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यूँ उसका व्यक्तिगत प्रेम विभिन्न मंजिल तय करता हुआ अंत में उस बिंदु पर पहुंच गया जहां व्यक्तिगत प्रेम सामूहिक प्रेम में बदल जाता है और शायर अपनी प्रेमिका का ही नहीं मानव मात्र का आशिकी बन जाता है। और तुझको खबर नहीं मगर एक सादा लौह को, तुझको खबर नहीं मगर एक सादा लौह को बर्बाद कर दिया तेरे दो दिन के प्यार ने। कहते कहते वह अपनी प्रेमिका से दबी आवाज़ में कहता है, मैं और तुम से तरके मोहब्बत की आरजू दीवाना कर दिया है गमे रोज़गार ने। और फिर बड़े स्पष्ट शब्दों में कहता है, तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे, नाजात जिनसे मैं एक लम्हा पा नहीं सकता, ये ऊंचे ऊंचे मकानों की ड्योढ़ियों के तले, हर एक गांव पे भूख भिखारियों की सदा, ये कारखानों में लोहों का शोरगुल जिसमें है दफन लाखों गरीबों के रूह का नगमा, गली गली में ये बिकते हुए जवान चेहरे, हंसी आंखों में अफसुदगी सी छाई हुई, ये सोलावार फजाएं, ये मेरे देश के लोग खरीदी जाती हैं उठती जवानियां जिनकी, ये गम बहुत थे मेरी ज़िंदगी मिटाने को, उदास रह के मेरे दिल को और रंज ना दो, तुम्हारे गम के सिवा और भी तो गम है मुझे। और यही पर बस नहीं, उसकी घायल आत्मा ने ज्यों ज्यों उसे तड़पाया उसमें इन गमों से जूझने पर, इन पर विजय पाने और उन्हें सुखों में परिवर्तन करने की जिद सी पैदा हो गई और अपनी इस जिद में उसने उन समस्त विषयों को पकड़ में लेने का प्रयत्न किया जो उसके और इस शताब्दी के समक्ष हैं। यद्यपि कुछ एक को शायरी का वैसा सुंदर लिबास बनाने में वह इतना सफल नहीं हुआ जितना अपने विशेष विषय प्रेम को, और कहीं कहीं तो भावावेश में वह अपनी सीमाओं से इतना बाहर निकल गया कि आश्चर्य होता है कि जीवन भर स्वयं को शायर मनवाने का प्रयत्न करने वाला शायर क्यों इस बात का आग्रह कर रहा है कि लोग मुझे फनकार न माने। और जब उसने प्रतिज्ञा की कि आज से ऐ मजदूर किसानों मेरे राग तुम्हारे हैं, आज से ऐ मजदूर किसानों मेरे राग तुम्हारे हैं, फखाकस इंसानों मेरे जोग बिहाग तुम्हारे हैं, और आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है, आज से मैं सबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा, तो संदेह सा हुआ कि क्या सचमुच शायर इतनी कड़ी प्रतिज्ञा कर रहा है और क्या अस्थायी रूप से वो अपनी इस प्रतिज्ञा पर दिल रह सकेगा। क्या अब वह कभी ऐसा गीत न गाएगा जिनमें उम्मीद भी थी, पछपाई भी थी, मौत कदमों की आहट भी, जीवन की अंगड़ाई भी, मुस्तकबिल की किरणों भी, हाल की बोझल जुलमत भी, तूफानों की शोर भी था और ख्वाबों की सहनाई भी, यानी जीवन का एक पहलू ही नहीं समस्त रंग विद्वान रहेंगे। सौभाग्य से शायर उर्दू गज़ल का परंपरागत माशूक सिद्ध होता है और अपने वायदे से फिर जाता है, फिरता नहीं तो दामन जरूर बचाता है, और वहाँ दो चार जलवे दिखाने के बाद वापस अपने बुत खाने पर सीमाओं में लौट आता है। उसे अनुभव हो जाता है कि उसका काम परचम लहराना नहीं, पर्वत पर गाना है।
शायर की शायरी पर बहस करते हुए उर्दू के एक शायर कैफी आजमी ने, जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के एक जिम्मेदार नेता ने उर्दू शायरी का सुर्ख फूल कहा था, शायर के बर्बत पर गाने और साथी के परचम लहराने पर आक्षेप करते हुए एक स्थान पर लिखा था कि भावना और कर्म इसी भेद ने शायर के जीवन में अराजकता और कला में उदासीनता पैदा कर दी है। इस प्रकार के कुछ और परिणाम भी उन्हें निकाले थे और इस स्वीकारोक्ति के बावजूद कि शायर मौलिक रूप से प्रगतिशील और प्रगतिशील शक्तियों का साथी है, उन्हें इस ढंग से शायर को एक साथ परचम लहराने और पर्वत पर गाने का परामर्श दिया था कि मालूम होता था उनकी नज़र में पर्वत का उतना महत्व नहीं जितना कि परचम का। परचम का अपना महत्व है और पर्वत का अपना। इतिहास साक्षी है कि पर्वत बजाने वाले हाथों ने जब भवावेश में आकर या किसी कारण से पर्वत के साथ साथ परचम उठाने का प्रयत्न किया तब पर्वत भी टूट गया और परचम भी न लहरा सका। और यह तो सरासर गलत प्रवृत्ति है कि केवल मजदूरों और किसानों के बारे में लिखकर ही कोई लेखक अपने आप को प्रगतिशील लेखक कहलवाने का अधिकारी बन जाए। हमारा समाज विभिन्न वर्गों में विभाजित है और हमारे कलाकार अलग अलग वर्गों से आए हैं। यदि कोई लेखक किसी प्रकार से अपनी सीमाओं से बाहर नहीं निकल पाता लेकिन मानसिक रूप से प्रौढ़ है तो अपनी सीमाओं में रहते हुए भी वह स्वस्थ आदर्शवादी तथा प्रगतिशील साहित्य की रचना कर सकता है। बुर्जुआ और उच्च मध्य वर्ग का लेखक अपने वर्ग की बेअमली प्रगतिशील साहित्य की रचना कर सकता है। बुजुर्गवा और उच्च मध्य वर्ग का लेखक अपने वर्ग की बेअमली और बेराहरवी दर्शा में उतना ही बड़ा कार्य सिद्ध कर सकता है जितना कि वर्ग संघर्ष में सीधा योग देने वाला मजदूर या किसान। इसके प्रतिकूल अपनी सीमाओं में रहते हुए यदि कोई कवि या लेखक फैशन के तौर पर यह जाने बिना कि कपड़ा बुनने की मशीन के पास मजदूर खड़ा होकर काम करता है या लेट कर या धान किस ऋतु में बोया जाता है और गेहूं की बलियों का क्या रंग होता है मजदूर और किसान पर कलम उठाएगा तो उसकी रचना में वे गुण ना आ पाएंगे जो अनुभव और प्रेक्षण पर आधारित और अनिवार्य रूप से महान साहित्य की नींव होता है। सौभाग्य से शायर सामूहिक रूप से हमें वही देता है जो तजुर्बात तो हवातीस के शक्ल में दुनिया ने उसे दिया है। पिछले 30 वर्षों से शायर बम्बई में है और कैफी आजमी ही के कथानुसार आजकल फिल्मी दुनिया में जितने खतरे मंडरा रहे हैं शायर उन सबसे शदीद है। मालूम नहीं फिल्मी गीत लिखते लिखते वह कब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बन जाए क्योंकि आज उसके पास शानदार कारें भी हैं और बंगले भी और नज़्म लिखना उसने बहुत हद तक छोड़ दिया है। लेकिन कैफी आजमी की ही तरह जब मैं पहली बार शायर से मिला था तो वह केवल शायर था और जब अंतिम बार मिलूँगा तो वह केवल शायर ही होगा क्योंकि अभी तक अपने पहनने के वस्त्रों का वह स्वयं चुनाव नहीं कर पाता। उससे जितना अधिक ख्याति प्राप्त हो रही है उससे कहीं अधिक वह महसूस कर रहा है कि शायर की हैसियत से उसकी लोकप्रियता कम हो रही है। अंतिम बार मैं शायर से 1978 में जब मिला था तब उसकी माँ जी का जो मुझे भी अपने बेटा मानती थी ध्यान हुआ था। शायर पर दिल का पहला दौरा पड़ा था। वो फिल्मी गीत लिखने का धंधा छोड़कर आराम और शायरी करने पर विचार कर रहा था और उसके बारे में अंतिम समाचार मुझे 26 अक्टूबर 1980 की सुबह को 5:30 बजे टेलीफोन पर यह मिला कि पिछली शाम दिल का दौरा पड़ने से मेरे प्रिय मित्र का देहांत हो गया। खुदा बख्शे, बहुत सी खूबियाँ थी मरने वाले में। प्रकाश पंडित।